नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। एक अहम फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस नगर सेवक को जनता ने चुना ही नहीं है, वो पिछले दरवाजे से प्रवेश लेकर मनोनीत नगर सेवक नियुक्त होकर सदन का नेता नहीं बन सकता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे मौजूदा व पूर्व सांसद तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी है, जिनके खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन अथवा रास्ता रोको आंदोलन में हिस्सा लेने पर मामला दर्ज किया गया है। वही एसटी कर्मचारियों की महीनों से चल रही हड़ताल को खत्म करने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति गठित करने के सुझाव को मंत्री अनिल परब ने स्वीकार कर लिया है। उधर राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तारी कानूनी दावपेच जारी है। इसी बीच राज्य के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए गठित सम्यक विचार समिति की रिपोर्ट सदन में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पुणे मनपा में 175 निर्वाचित नगर सेवक है और उसमें 5 मनोनीत नगर सेवक है। इन नगर सेवकों की क्षमता सिर्फ सलाह देने की ही होती है। इसमें एक नगर सेवक गणेश बिड़कर भी है। नगर सेवक रविंद्र धनगेरकर व बिड़कर ने पुणे के वार्ड नंबर 16 से साल 2017 में नगर सेवक का चुनाव लड़ा था। याचिकाकर्ता रविंद्र धनगेरकर ये चुनाव जीत गए थे, जबकि बिड़कर चुनाव हार गए थे। फिर भी भाजपा ने बिड़कर का नाम मनोनीत नगर सेवक के रूप में प्रस्तावित किया। 11 दिसंबर 2020 को बिड़कर को मनोनीत नगर सेवक नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद उन्हें सदन का नेता नियुक्त किया गया, जिसे रविंद्र धनगेरकर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मनोनीत नगर सेवक को महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 MMC एक्ट के तहत सदन का नेता नहीं नियुक्त किया जा सकता है। न्यायमूर्ति ए सैयद व न्यायमूर्ति SG दिघे की खंडपीठ ने कहा कि MMC कानून की धारा 19(1)(a) के तहत सिर्फ सीधे जनता के द्वारा चुना गया नगर सेवक ही सदन का नेता नियुक्त होने के लिए पात्र है। खंडपीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस नगर सेवक को जनता ने नहीं चुना है, वो पिछले दरवाजे से प्रवेश लेकर मनोनीत नगर सेवक नियुक्त होकर सदन का नेता नहीं बन सकता है, भले ही उसे पार्टी के चुने हुए नगर सेवकों ने चुना है। खंडपीठ ने इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत नगर सेवक गणेश बिड़कर को पुणे महानगर पालिका के सदन के नेता पद के लिए अपात्र करार किया है। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया हमें ये मानना तार्किक लग रहा है कि वार्ड स्तर के चुनाव में जनता के वोट के बहुमत द्वारा नकारे जाने के बाद कैसे बिड़कर पुणे मनपा के सदन के नेता के लिए पात्र हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन सांसदों व विधायकों के रास्ता रोको आंदोलन व सार्वजनिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के चलते सार्वजनिक संपत्ति व मानव जीवन का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसे सांसदों व विधायक के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लिए जाए। राज्य सरकार इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गई थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने मामले वापस लेने की अनुमति देने से मना कर दिया और कहा कि सरकार को इसके लिए हाईकोर्ट में जाना चाहिए। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे मौजूदा व पूर्व सांसद तथा विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी है, जिनके खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शन अथवा रास्ता रोको आंदोलन में हिस्सा लेने पर मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों की जानकारी हमारे सामने रखी जाए, ताकि हम देख सके कि सरकार को किन मामलों को वापस लेने की इजाजत दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति SK शिंदे ने 21 मार्च 2022 को राज्य के महाधिवक्ता को उपरोक्त जानकारी रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता श्री कुंभकोणी ने एक सूची पेश की, जिसमें 26 मामले ऐसे थे जिनकी सुनवाई पर रोक लगाई गई है। इसमें से 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। खंडपीठ ने कहा कि इन दोनों मामलों को सूची से हटा दिया जाए। इस सूची में इसकी जानकारी नहीं है। इस आदेश के चलते हाईकोर्ट व सत्र न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है। इसीलिए हमारे सामने विस्तृत जानकारी पेश की जाए, ताकि हम ये तय कर सके कि किस मामले की सुनवाई प्राथमिकता से की जाए। विधान परिषद में सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने एसटी कर्मचारियों की महीनों से चल रही हड़ताल को खत्म करने के लिए राज्य सरकार को विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया है। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। परब ने कहा कि सरकार संयुक्त समिति गठित करेगी। तत्कालीन मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलय संभव नहीं है, इसलिए एसटी के कर्मचारियों को हड़ताल को खत्म करके काम पर लौट जाना चाहिए।
सरकार एसटी कर्मचारियों की अन्य मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है, पर अब ने यह भी कहा कि हड़ताल को खत्म करके काम पर लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एसटी महामंडल का पत्र फर्जी है। एसटी महामंडल ने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया है। इसके पहले सदन में भाजपा सदस्य परिणय फुके ने भंडारा में एसटी की सेवा पूरी क्षमता के साथ शुरू करने के संबंध में सवाल पूछा था। फुके ने कहा कि भंडारा में एसटी की बहुत ही कम बसें चल रही है, इससे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस पर परब ने कहा कि एसटी प्रशासन को स्कूल वाले मार्ग पर प्राथमिकता से बसों को चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, इससे विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए एसटी की बस उपलब्ध हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में 28 अक्टूबर 2021 से एसटी के कर्मचारी हड़ताल पर है। राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तारी कानूनी दावपेंच जारी है। मलिक के वकील अमित देसाई ने मलिक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ईडी द्वारा मलिक की गिरफ्तारी उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। देसाई ने पीठ को बताया कि एनआईए गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और भगोड़े से जुड़े मामलों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि मलिक का उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि देश में पीएमएलए 2005 में लागू हुआ था, मलिक के खिलाफ वो कानून लागू होने के पहले हुए कथित लेनदेन पर लगाया गया है। वहीं पीएमएलए की विशेष अदालत का मानना है कि राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में संलिप्तता नजर आ रही है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मामले को लेकर ईडी की जांच अभी आरंभिक स्तर पर है। आरोपी द्वारा आपराधिक कमाई की पहचान अभी सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जाना बाकी है। ईडी ने भी अपने हिरासत आवेदन में इस प्रकरण को एक संवेदनशील मामला बताया और दावा किया था कि इस मामले से संगठित आपराधिक क्षेत्र से मिले पैसों से आपराधिक कमाई की गई है। इस मामले का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकता है। हमारी जांच अभी शुरुआती दौर में ही है। ईडी के अधिकारी अभी ये भी पता लगाने में जुटे हैं कि मामले से हुई आपराधिक कमाई के लाभार्थियों में कौन कौन शामिल है। आरोपी मलिक ने मामले की जांच के दौरान सहयोग नहीं किया है और बयान दर्ज कराते समय कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। हिरासत आवेदन में ईडी ने कहा है कि अब तक की जांच में जो सामग्री इकट्ठा की गई है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। विधान परिषद में सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने राज्य के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए गठित सम्यक विचार समिति की रिपोर्ट को राज्य मंत्रिमंडल के सामने रखने के बाद सदन में पेश करने के निर्देश प्रदेश सरकार को दिए हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार और भाजपा सदस्य रंजीत पाटिल ने राज्य में 1 नवंबर 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में सवाल पूछा था। गाणार ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है, राज्य सरकार को भी ये फैसला लेना चाहिए। इस पर प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री बच्चू कड़ू ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बारे में अध्ययन के लिए शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता वाली सम्यक विचार समिति की रिपोर्ट स्कूली शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। अब वित्त विभाग अध्ययन करेगा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर तिजोरी पर कितना भार पड़ेगा। इस बीच कड़ू के जवाब से नाराज विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि सरकार को तत्काल फैसला करना चाहिए, जिसके बाद सभापति ने कहा कि सरकार सम्यक विचार समिति की रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करे। मंत्रिमंडल पुरानी पेंशन योजना के बारे में जो भी फैसला करेगा उसकी रिपोर्ट विधान परिषद में पेश करे। इस पर कड़ू ने कहा कि सभापति के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है और कहा है कि वे अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात प्रबंधन प्रणाली के साथ एआई आधारित टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि गलतियों की आशंका कम की जा सके। उधर एमसीसी के गेंदबाजों के दौरान नॉन स्ट्राइकर को रनआउट करने के नियम में भी बदलाव किया गया है और इसे रनआउट वाले नियम में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के टर्म 1 का रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है। 10वीं के टर्म 1 का परिणाम भी इसी सप्ताह ही घोषित होगा। देश भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, साथ ही एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैं सभी दलों के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र बचाए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे का समय है। दरअसल वाराणसी में 3 गाड़ियों में ईवीएम मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया था।
अखिलेश ने मतगणना में धांधली की कथित कोशिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी प्रत्याशियों और समर्थकों से अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहने को कहा है। अखिलेश ने कहा कि युवा लोकतंत्र व भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। सोशल मीडिया पर वाराणसी में कथित तौर पर ईवीएम मशीन मिलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए। योगी सरकार अभी भी ईवीएम मशीन की हेराफेरी कर जनादेश पर डकैती डालना चाहती है। अब समझ में आया कि सुपड़ा साफ होने के बाद भी भाजपा सरकार बनाने का दम क्यों भर रही है। दूसरी तरफ वाराणसी के डीएम का कहना है कि मशीनें मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए थी। चुनाव आयोग ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री रहे एके एंटनी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि वह अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 81 साल के एंटनी ने सोनिया गांधी से कहा है कि 2 अप्रैल को उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब इसके बाद वह दोबारा चुनाव में नहीं उतरना चाहते। वह इस समय केरल से राज्यसभा सांसद है। एके एंटनी ने यह भी कहा है कि वह अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, जल्द ही वह तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट होंगे। वह 52 साल से राजनीति में है। पहली बार 1970 में वह केरल में विधायक बने थे। वह कांग्रेस युवा और छात्र विंग के नेता थे। एंटनी 3 बार केरल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 37 साल की उम्र में वह केरल के मुख्यमंत्री बन गए थे। 10 साल तक एंटनी कांग्रेस संसदीय समिति के प्रेसिडेंट रहे और 5 बार विधानसभा पहुंचे। 3 बार वह केंद्रीय मंत्री रहे और 5 बार राज्यसभा पहुंचे। एके एंटनी को कांग्रेस का एंथनी भी कहा जाता है। केरल की राजनीति में कांग्रेस के लिए उनका बड़ा योगदान माना जाता है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। साल 2004 में वह दिल्ली की राजनीति में शरीक होने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने रक्षा मंत्री का दायित्व निभाया। एंटनी ने कहा है कि पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए और मैं हमेशा कांग्रेस का आभारी रहूंगा। अब मैं अप्रैल में दिल्ली छोड़कर तिरुवनंतपुरम जाना चाहता हूँ। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाने वालों के संबंध में बेहद अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि यातायात प्रबंधन प्रणाली के साथ AI आधारित टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि गलतियों की आशंका कम की जा सके। गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा दुनिया भर में बड़ी चिंता का विषय है और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक चुनौती बनी हुई है। इन सड़क हादसों की फॉरेंसिक जांच के लिए AI आधारित ड्रोन एवं रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। गडकरी के मुताबिक यातायात बाधित होने की स्थिति असंतुलित मांग एवं आपूर्ति गणनाओं से पैदा होती है। ऐसी स्थिति में AI आधारित उपकरणों की मदद से यातायात के हालात की सटीक ढंग से जांच, विश्लेषण एवं पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली को भारतीय राजमार्गों पर लगाया जा चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एवं HD कैमरों की मदद से एकीकृत आंकड़े संकलित किए जाते हैं। गडकरी ने बताया कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा में एक है। इन दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 3 लाख गंभीर रूप से घायल होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 70% मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र में होती है। सड़क सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC ने इंटरनेशनल क्रिकेट के कुछ नियमों को बदलने का फैसला किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। MCC ने गेंदबाजी के दौरान नॉन स्ट्राइकर को रनआउट करने के नियम में भी बदलाव किया है और इसे रनआउट वाले नियम में जोड़ दिया गया है। आमतौर पर इसे मैगडिंग कहा जाता है और अब गेंदबाज के एक्शन लेने से पहले अगर नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी क्रीज छोड़ता है तो उसे आउट किया जा सकता है, जो रनआउट के रूप में माना जाएगा। इस पर काफी विवाद हम देख चुके हैं। मूल रूप से ये नियम लॉ 41 के अंतर्गत आता था, जिससे अनफेयर प्ले का दर्जा था। गेंदबाज द्वारा अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में नॉन स्ट्राइकर के रनआउट करने के लिए अभी तक कई लोग दो मत थे। हालांकि अब इस विवाद से बचने के लिए MCC ने इसे लॉ 38 रनआउट में स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि इस नियम का शब्दांकन वही रहता है। गौरतलब है कि जब IPL 2019 में किंग्स 11 पंजाब, जो कि अब पंजाब किंग्स कहा जाता है, उनके लिए खेलते हुए आर अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को उस समय रनआउट किया था जब वे उनकी गेंदबाजी एक्शन में आने से पहले क्रीज छोड़ चुके थे। हालांकि इस पर विवाद हुआ था, ये खेल भावना के खिलाफ है, लेकिन इसके लिए नियम पहले भी था।
सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के टर्म एक का रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है। 10वीं के टर्म एक का परिणाम भी इसी सप्ताह ही घोषित होगा। बोर्ड की ओर से आधिकारिक वेबसाइट cbse.go.in पर नतीजे जारी किए जाएंगे। स्टूडेंट सीधे सीबीएसई रिजल्ट की वेबसाइट cbserizults.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई कक्षा 12वीं की टर्म एक परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स परिणाम जारी होने के बाद अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा अभिसिप्त सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की जानकारी दी जाएगी। फाइनल रिजल्ट सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम 2022 के साथ जारी किया जाएगा। संबंधित वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और पासवर्ड भरना होगा, जिसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। रिजल्ट डिजीलॉकर पर भी देखे जा सकेंगे, मगर इसके लिए डिजीलॉकर पर स्टूडेंट्स का अकाउंट होना चाहिए। डिजीलॉकर पर अकाउंट बनाने के लिए सीबीएसई डिजीलॉकर पर जाकर स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड कर ले। उसके बाद आप अपने लॉगिन डिटेल के साथ डिजीलॉकर पर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उमंग ऐप डाउनलोड करके भी स्टूडेंट्स 12वीं टर्म 1 का रिजल्ट देख सकते हैं। उमंग ऐप पर साइन अप करने के बाद लॉगिन डिटेल के साथ आप सीबीएसई रिजल्ट उमंग ऐप पर भी चेक कर सकेंगे। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अभी भी रूस और यूक्रेन के युद्ध के ही इर्द गिर्द घूम रही है। खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब रूस के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। तो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 9 बांग्लादेशी छात्रों को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से शुक्रिया कहा है। वही 11 साल के यूक्रेनी बच्चे को दुनिया सलाम कर रही है, जो 1200 किलोमीटर के सफर पर अकेले निकल पड़ा है और सुरक्षित तरीके से स्लोवाकिया पहुंच भी गया है। उधर भारत में हिजाब मामले से चर्चित मुस्कान का समर्थन और विरोध जारी है। पाकिस्तान में भी ये मुद्दा चर्चा में है और कई दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं। दुनिया भर की इन 5 तमाम खबरों से ली गई इन 5 खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूक्रेन में रूस के विनाशकारी हमले लगातार जारी है। रूस यूक्रेन को घुटने पर लाना चाहता है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच खबर है कि जेलेंस्की ने रूस के साथ समझौता करने के संकेत दिए हैं। एक अमेरिकी चैनल से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने कहा है कि वे रूस के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि वे नाटो की सदस्यता हासिल करने के लिए जोर नहीं लगा रहे हैं। दरअसल नाटो ही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद असहज रहे हैं। पुतिन नहीं चाहते हैं कि नाटो रूस के किसी भी पड़ोसी देश में अपना ठिकाना बना सके। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले करने के पहले से ही अमेरिका यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने और रूस के खिलाफ खड़ा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को उकसा रहा है। अब अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने यूक्रेन को उकसाने के ख्याल से बयान दिया है कि रूस ने हमला करने से पहले यूक्रेन की प्रतिरोध करने की ताकत को आंकने में भूल कर दी है। बहरहाल दोनों देशों की जीत के आगे पूरा विश्व अशांत है। इंग्लिश भाषी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा रखी है, तो भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे तटस्थ देश यूक्रेन समेत पूरे विश्व में शांति बहाल करने के लिए दोनों देशों से कूटनीतिक बातचीत करने की लगातार अपील कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सहित पड़ोसी देशों के छात्रों को सुरक्षित निकाल रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान सहित कई और देशों की मदद की है और उन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाला है। इसी कड़ी में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 9 बांग्लादेशी छात्रों को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से शुक्रिया कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के महोत्तरी जिले के रोशन झा को भी भारतीय अधिकारियों ने सुरक्षित निकाला था। रोशन ने इसके लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया था। बाद में काठमांडू स्थित भारतीय एम्बेसी ने सूचित किया था कि भारत सरकार पोलैंड के रास्ते 7 और नेपाली नागरिकों को निकाल रही है। पाकिस्तानी छात्रा आसमा शरीफ ने भी भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। एक वीडियो में आसमा ने कहा है कि मैं यूक्रेन स्थित भारतीय एम्बेसी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम बहुत मुश्किल हालात में थे, लेकिन उन्होंने हमें सुरक्षित बाहर निकाला है। मैं इसके साथ ही भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को भी मदद के लिए धन्यवाद देती हूँ। भारतीय एम्बेसी की वजह से हम सुरक्षित घर वापस जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा से भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वह संकट की घड़ी में खुद के साथ ही मानवीय आधार पर दूसरे देशों की मदद करने से भी कभी गुरेज नहीं करता है। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के साथ ही बांग्लादेश, नेपाल और ट्यूनिशिया के नागरिकों भी वहां से निकाला। यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच एक मासूम बच्चे ने अकेले 1200 किलोमीटर का सफर तय किया है। इस लंबे सफर के दौरान बच्चे के पास 2 छोटे बैग, पासपोर्ट और एक रिश्तेदार का फोन नंबर था।
बच्चे की मां ने फोन नंबर उसके हाथ पर लिख दिया था। 11 साल का यह बच्चा सुरक्षित तरीके से पड़ोसी स्लोवाकिया पहुंच गया है। इस बच्चे का नाम ब्रावे हसन है और इतनी कम उम्र में उसके इस साहस को दुनिया सलाम कर रही है। हसन को अकेले ही इसलिए यूक्रेन के जापोरिज्जिया शहर में स्थित घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी माँ बुजुर्गों की देखरेख कर रही थी और वह उसके साथ जा नहीं सकती थी। यह वही जापोरिज्जिया शहर है, वहाँ रूसी बमबारी की वजह से पिछले सप्ताह एक परमाणु बिजली घर में आग लग गई थी। बच्चे के पिता नहीं है और परमाणु बिजली घर पर बमबारी से हसन की मां डर गई और उन्होंने उसे अकेले ही जाने को कहा ताकि कम से कम वह सुरक्षित रह सके। हसन की मां ने उसे एक ट्रेन में बैठा दिया जो उसे अंततः सीमा तक ले आई। इसके बाद स्लोवाकिया के अधिकारियों ने उसे सीमा पार करने में मदद की। ये अधिकारी बच्चे की प्यारी सी मुस्कान पर फिदा हो गए। एक बार स्लोवाकिया पहुंचने पर हसन ने अपने हाथ पर लिखे फोन नंबर का इस्तेमाल किया और वहां मौजूद परिवार ने उसे आकर रिसीव कर लिया। हसन ने जिस दृढ़ता, साहस और निडरता को दिखाया है उसकी जमकर तारीफ की जा रही है। भारत में हिजाब मामले से चर्चित मुस्कान का समर्थन और विरोध जारी है। पाकिस्तान में भी यह मुद्दा चर्चा में है और कई दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जमाते इस्लामी की महिला विंग ने जहां मुस्कान के समर्थन में प्रदर्शन किया, वही जामिया हिब्जा के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जमाते इस्लामी की पूर्व सांसद समिया राहिल काजी ने कहा कि अल्लाह ने मुस्कान को एक जरिया बनाया है कि वह न केवल मुसलमानों की बल्कि दुनिया भर में विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों की आवाज़ बने। भारत के कर्नाटक राज्य में 19 साल की एक लड़की मुस्कान ने भीड़ के सामने डटकर अपनी आवाज़ बुलंद की और अब उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मुस्कान हमारे लिए एक मिसाल है, उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए कोई डर नहीं था। हालांकि पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो दोहरा मापदंड मानता है। इसका एक बड़ा उदाहरण महिला मार्च है, जहां हर साल महिलाओं को मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे लगाने पर हर तरह की गालियां दी जाती है और FIR दर्ज की जाती है। महिला मार्च की एक आयोजक ने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तानियों का दिमाग और सोच बहुत छोटी है। मैं अब तक केवल एक प्ले कार्ड बनाने की वजह से घर में कैद हूँ, मुझे किस तरह की गालियाँ नहीं दी गई। क्योंकि हिजाब पहनना हमारी सामूहिक सोच को दर्शाता है, इसलिए इसका पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी पुरुष मुस्कान की हिंदुत्व के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब कभी कोई पाकिस्तानी लड़की इतनी हिम्मत दिखाती है तो पुरुषों की एक भीड़ उसे गालियाँ देने लगती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा है कि इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं और उनके अपने लोग उनसे ऊब चुके हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नेशनल असेंबली सचिवालय में जमा कराया है और अब उन्होंने असेंबली का सत्र बुलाने की भी मांग की है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का फैसला विपक्षी पार्टियों के साझा सम्मेलन में लिया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक शाहबाज गिल ने कहा है कि हम विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का स्वागत करते हैं और उनका मुकाबला करेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन की पार्टियों का दावा है कि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नेशनल असेंबली के 200 सदस्यों का समर्थन हासिल है। अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के लिए 172 वोटों की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 4 साल के दौरान चुनी हुई सरकार ने जो कुछ इस देश के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से किया उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात महंगाई और बेरोजगारी है और फिर मुल्क के अंदर कर्ज लेकर 22 करोड़ जनता को गिरवी रख दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब प्रांत के मिलसी इलाके में एक जनसभा में कहा था कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।